लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। लगभग 100 प्रतिष्ठित डॉक्टर आगामी पीए संगमा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PIMCH के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालया USTM में एक सार्थक विचार मंथन सत्र में लगे हुए हैं। ये पहल USTM और ERD फाउंडेशन गुवाहाटी के बीच एक सहयोग है, जिसका मकसद क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं तक पहुँचना। प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर सर्वेश्वर सहारिया और एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर RC डेका ने USTM द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रोफेसर GD शर्मा द्वारा निर्देशित सत्र में अस्पताल की शिलान्यास समारोह के दौरान एक साल पहले शुरू किए गए सहयोगमत चर्चाओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विचारों को क्रियाशील योजना में बदलने में डॉक्टरों की विचारों की महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर सहारिया ने विश्वास व्यक्त किया कि क्षेत्र में एक अत्याधुनिक निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रों के प्रवासन पर अंकुश लगाया जा सकता है। डॉक्टर डेका ने एलोपैथी, आयुर्वेदिक और अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में USTM की व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए चिकित्सा अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला। USTM के संस्थापक चांसलर महबूबुल हक ने अस्पताल के चल रहे निर्माण के बारे में बात की, जिसे 2024 के अंत तक पूरा किया जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। डॉक्टरों के समूह ने एक ही परिसर में एकीकृत उपचार के लिए क्षमता पर जोर देते हुए सक्रिय रूप से सुझाव दी। पीए संगमा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें प्रस्तावित 1100 बिस्तरों वाला अस्पताल और 350 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी सेक्शन गरीब मरीजों को मुफ्त सेवाएं देने की योजना बना रहा है। एशियाई देशों की मरीजों और छात्रों को आकर्षित करने के अनूठी लक्ष्य के साथ संस्थान महबूबुल हक की दूरदर्शी नेतृत्व में आकार ले रहा है। USTM ने पहले ही परियोजना के मिश्रण के अनुरूप विभिन्न भूमिकाओं के लिए आवेदन आमंत्रित की है। इस परिवर्तनकारी परियोजना की नींव 3 अक्टूबर 2022 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा रखी गई थी।
लथवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।